गुज़िश्ता जुमा को देवी मल्ला इलाके में प्लास्टिक के एक ज़खीरे में आयन जुमा की नमाज के वक्त तो आग लग जाने की खबर सामने आई थी। वहीं आज फरहान हॉस्पिटल के सामने लबे सड़क आगरा रोड पर खड़ी दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह ये बताई जाती है कि ऊपर जो इलेक्ट्रिक तार था उसके टूट जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ और उस माल ट्रक में रखी हुई खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात दवाइयाँ जलकर खाक हो गई। वहीं दोनों ट्रकें भी बुरी तरह आग से झुलस जाने से मुतासिर हुई, किसी तरीके का जानी नुकसान नहीं हो सका। वहीं आज शाम में मालदा इलाके में भी घनी झाड़ियों में आग लग जाने से शकील तैराक ने फौरन पहुंचकर इन झाड़ियों में आग बुझाई, वरना इनके अतराफ बसे हुए पतरे के कच्चे मकान जलकर बुरी तरह मुतासिर होते थे। जारी हफ्ते में आग लगने की ये तीसरी वारदात है। इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बरकी वसाइल और असबाब को लेकर दुरुस्तगी में शफाकियत लाने की ज़रूरत है। वहीं ट्रकों को भी टर्मिनल्स बना कर दिया जाए, ट्रक मालकान सड़कों पर इस तरह ट्रक ना खड़ी करें। कारखानादार जो रुई कपास बची हुई अपने अतराफ फेंक जा देते हैं उससे भी बंद के अयाम में आग लग जाने का खतरा है। वहीं प्लास्टिक कारखाने और दीगर जखीरे से भी आग लगने के चांसेस पैदा होते हैं। शहरियान को चाहिए कि गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, गर्मी में आग ना लग सके इसलिए हर कोई अपना एहतियात करे। लोग इतना बड़ा कारोबार मकान तो ज़रूर बनाते हैं मगर फायर सेफ्टी टैंक तक नहीं रखते, इस बात पर भी हैरत होती है।